और यहाँ पे विधिवत माँ दुर्गा का जो पूजा आराधना लगभग 300 साल से ऊपर से होता चला आ रहा है। और ये बिहार में और कहीं जी जी पहले तो ऐसे ही होता था कि पहले यहाँ पूजा होता था, शुरू होता था, पर दुर्गा जी का पट यहाँ खुलता था, फिर विधिवत सब जगह पूजा शुरू होता था। लेकिन आज से मंत्र से जो भी विधिवत है उनके हाथ से अपने आप कमल का फूल गिरता है, जिसको देखने के लिए यहाँ काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और उसका काफ़ी महत्व। उस समय बड़ी देवी जी साक्षात अपना दर्शन देती है लोगों को। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फोर नेशन में और मैं हूँ आपके साथ रजनीश यादव। नवरात्र का आज षष्ठी दिन है और आज के दिन मारुवंत की बड़ी देवी जी के पट आम दर्शनार्थ हेतु खोल दिए गए हैं। सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं मारुवंत की बड़ी देवी जी की, जहाँ पर बड़ी देवी जी का दर्शन के लिए पट खोल दिया गया है। ऐसे तो हम आपको बताएं कि नवरात्र का षष्ठी दिन है और सप्तमी के दिन अन्य पूजा पंडालों की मूर्तियां जो हैं वो उसके पट खोल दिए जाएंगे आम दर्शन के लिए, लेकिन ठीक उसके पहले मारुवंत की बड़ी देवी जी का आज षष्ठी के दिन ही दर्शन के लिए पट खोल दिया गया है। सीधी तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं मारुवंत की बड़ी देवी जी का, जहाँ पर बड़ी देवी जी स्वयं में दर्शन दे रही हैं भक्तों को और बिल्कुल ढोल मंजीरों के साथ बड़ी देवी जी का स्वागत किया जा रहा है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ढोल मंजीरे यहां पर बजाए जा रहे हैं और माता के आगमन में लोग लगे हुए हैं। और सीधी तस्वीर हम मारुवंत की बड़ी देवी जी की पहली झलक न्यूज़ फोर नेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी देवी जी साक्षात दर्शन दे रही हैं भक्तों को और भक्त सीधे जो है उनसे जुड़ कर उनसे आशीर्वाद और पूजा कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। माता के कुछ भक्त हैं, कुछ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी बताइए, आज नवरात्र का षष्ठी दिन है, माता के दर्शन के लिए पट खोले, क्या कामनाएं लेकर आए पहुंचे हैं? सबसे पहले तो नवरात्रि की समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और हम आशा करते हैं कि माँ दुर्गा का कृपा सभी पे बना रहे। और मारुवंत की बड़ी देवी जी की ये प्राचीन काल से यहाँ पे मूर्ति बैठाया जाता है और लोगों का बहुत बड़ा आस्था है कि माँ के प्रति, और यहाँ पे जो भी मन्नत मांगने आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। इस तरह से लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है और समस्त देशवासी समस्त जो बिहार के लोग हैं, बिहार के बाहर के भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो आके यहाँ पे अपनी मन्नत मांगते हैं और पूजा करते हैं और माँ का आशीर्वाद लोगों पर बना रहता है। आप बताइए, बिल्कुल यहाँ बंगाली पद्धति के अनुसार पूजा की जाती है, आप मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, पूरी विस्तार से बताइए क्या? मेरा नाम डॉक्टर राजेश हुआ, मैं श्री बड़ी देवी जी मंदिर न्यास समिति का सचिव हुआ और यहाँ पे विधिवत माँ दुर्गा का जो पूजा आराधना लगभग 300 साल से ऊपर से होता चला आ रहा है और ये बंगाली पद्धति से पूजा होती आ रही है। और सबसे पहले जो दुर्गा पूजा शुरू हुआ था बिहार में, सबसे पहले यही शुरू हुआ था और इसको ही देख करके सब लोगों ने अनुसरण कर करके जगह जगह फिर पूजा होने लगा। और महाअष्टमी के दिन इनकी संधि पूजा होती है माँ दुर्गा की, जिसमें इनके हाथ से साक्षात पूजा से मंत्र से जो भी विधिवत है उनके हाथ से अपने आप कमल का फूल गिरता है, जिसको देखने के लिए यहाँ काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और उसका काफ़ी महत्व। उस समय बड़ी देवी जी साक्षात अपना दर्शन देती है लोगों को, ऐसी मान्यता है ये महाअष्टमी के दिन। अच्छा, ये बिल्कुल यहाँ बंगाली पंडित बंगाल से बाबा आते हैं क्या? जी हाँ, बंगाल से ही पंडित जी लोग आते हैं, वहाँ से ढाकी वाले भी जो बजाने वाले आते हैं वो भी वहाँ से आते हैं और सारे मतलब उनके पूर्वज लोग ही यहाँ सब काम करते आ रहे हैं और वही पद्धति अभी तक चली आ रही है, उनके ही परिवार के लोग सब काम करते हैं। माना जाता है कि बिहार में सर्वप्रथम पट जो है यहीं पर खुलता है, उसके बाद बिहार में और कहीं? जी जी पहले तो ऐसा ही होता था कि पहले यहाँ पूजा होता था, शुरू होता था, पर दुर्गा जी का पट यहाँ खुलता था, फिर विधिवत सब जगह पूजा शुरू होता था, लेकिन अब समय के हिसाब से परिवर्तन हो गया, अब कहीं पर पहले भी खुल जाता है और विसर्जन भी पहले जो होता था इनका विसर्जन जो शोभा यात्रा निकलती थी तो उसके बाद ही और मूर्ति की विसर्जन होती थी। क्या बताइए, आप भी दर्शन के लिए पहुँचे हैं यहाँ पर, क्या कामनाएं लेकर आए? बस यहाँ तो हम यही कामना है कि यहाँ पूरा जब भी आए हैं तो मनोकामना हम लोग के पूर्ण हुआ है, इसलिए हम लोग तो बहुत पुराने यहाँ से हम लोग दर्शक हैं, अभिलाषा रखते हैं और इतनी क्या 10-10 लाख लोग यहाँ पर इनके मान्यता है कि लोग आते हैं। क्या बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? हम यहाँ से सेवक के रूप में करते हैं। माँ तो साल में हम लोग बस 3 दिन के लिए आती हैं, लेकिन माँ हम लोग के लिए पूरे साल हम लोग इसी भावनाओं से लगे रहते हैं कि माँ हमेशा यहीं रह जाए। माँ से विनती है कि सब बच्चों पे अपना निर्भर करते रहें और बहुत मन से हम सेवा करते रहें, बस यही चाहते हैं। क्या
चलिए, तो ये थे मंदिर कमेटी के सदस्य लोग और कुछ श्रद्धालु। हम आपको बता दें कि करीब 300 वर्ष पुराने समय से यहाँ पर पूजा पाठ चली आ रही है और माँ बड़ी देवी जो है यहाँ पर विराजमान होती हैं और भक्तों को दर्शन देती हैं। ऐसा माना जाता है कि महाअष्टमी के दिन यानी संधि पूजा जब होती है तो वह यहाँ लाखों की भीड़ होती है और उस दिन बड़ी देवी जी के हाथों से कमल का फूल संधि पूजा के दिन नीचे गिरता है, यानी आशीर्वाद स्वरूप वो फूल जो है वो माँ देवी बड़ी देवी जी के हाथों से आशीर्वाद स्वरूप गिरता है और उस पूजा को, उस भावुक पल यानी क्षण को देखने के लिए लोग यहाँ करीब लाखों की संख्या में उमड़ते हैं और वो दृश्य साक्षात आंखों से देखते हैं। तो हमने दिखाया कि किस तरह से ढोल मंजीरों के बिल्कुल साथ माता का यहाँ पर आगमन करने में लोग लगे हुए हैं और माँ का जब यहाँ पर दर्शन लोगों को प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर भारी संख्या में जो है लोग दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बिल्कुल बंगाली पद्धति से पूजा की जाती है, यानी बंगाल से बाबा आते हैं और बिल्कुल बंगाली परंपरा के अनुसार इस बड़ी देवी जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो हमने दिखाया कि मारुवंश की बड़ी देवी जी के पट आम दर्शनार्थ हेतु खोल दिए गए हैं। अगर जो लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए हम न्यूज़ फाउंडेशन के माध्यम से बड़ी देवी जी के पहली झलक हम आप तक सामने ला रहे हैं और घर बैठे लोग भी दर्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों के लिए और अन्य पूजा पंडालों को दिखाने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमें दिया इजाज़त। नमस्कार।